दोस्तों, जब से सर्टर का इंट्रोडक्शन एमसीयू ने किया है तब से लोग इसको गॉडजिला और कॉन्ग से कंपेयर करते हैं, क्योंकि सर्टर का लेवल कहीं ना कहीं इन दोनों से मैच करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सर्टर, कॉन्ग और गॉडजिला तीनों एक साथ फाइट करने लग गए तो उनमें से कौन जीतेगा और कौन उस फाइट का विजेता होगा? और अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सर्टर की बात करें तो वो एक ऐसा फायर डीमन है जिसका हेड इटरनल फायर फ्लेम में जाकर उसके बाद ही वो ताकतवर बना था। और दोस्तों, जब से ये सर्टर पावरफुल बना था तब से उसका एक ही मकसद था, जो कि था ओडिन को मारना और एसगार्ड को तबाह करना, जिसमें कि वो कामयाब भी हो गया था। और आप उसकी पावर्स का इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो हेला ओडिन के कंट्रोल से भी बाहर थी उसको इसने बड़ी आसानी से हरा दिया था। साथ ही साथ सारे कॉस्मोस को हैंडल करने वाले हेमडाल को भी सर्टर ने काफी बुरी तरीके से हरा दिया था, जिससे कि ये साबित होता है कि सर्टर के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। और अगर उसके पावर्स की तरफ देखा जाए तो उसके पास ट्वाइलाइट सॉर्ड सुपर स्ट्रेंथ और गजब की फुर्ती भी है। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी में भी इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बिना थके काफी देर तक लड़ सकता है। और अगर इसके बॉडी की बात करें तो ये अपने मन मुताबिक अपने बॉडी को छोटा या बड़ा कर सकता है, और ये खूबी उसको उसके फाइट के दौरान काफी मदद भी करती है। और दोस्तों, आप लोग शायद ही जानते हो कि सर्टर के पास इन सब के अलावा एक इटरनल स्वॉर्ड भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो काफी सारी फायर प्रोड्यूस करके अपने एनिमी को जला सकता है। मगर सर्टर का एक ही डिसएडवांटेज है, जो कि ओडिन के बेटे थॉर ने उसे काफी आसानी से हरा दिया था, जो कि ये प्रूफ करता है कि सर्टर को भी हराया जा सकता है। और अगर हम अपने प्यारे गॉडजिला की बात करें तो वो मॉन्स्टर वर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने काफी सारे कॉस्मोस के पावरफुल डीमंस को डिफीट किया है, और वो एटॉमिक ब्रेथ छोड़कर पल भर में सारी चीजें तबाह कर सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गॉडजिला का शरीर माउंटेन जैसा ही स्ट्रांग है, और उसकी पीठ पर काफी सारे नुकीले कांटे भी मौजूद हैं। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपने दोनों हाथों से काफी सारी बिल्डिंग को तबाह कर दिया था, और अपने हाथों से कई सारे मॉन्स्टर्स को भी मार गिराया था। और इसकी हाइट लगभग 118 मीटर है और इसका वजन लगभग 160,000 टन है, जो कि फाइट के दौरान काफी इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स में वेट और हाइट का अलग ही महत्व होता है। और इसके पास एटॉमिक ब्रेथ के अलावा कई सारी पावर्स मौजूद हैं, साथ ही वो ड्यूरेबिलिटी में काफी लाजवाब है, जो कि लंबे समय तक फाइट कर सकता है। और इसके शरीर पर मॉडर्न वेपन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब तक कुछ काम नहीं करता। सर्टर और गॉडजिला के बाद अब कॉन्ग का नंबर आता है। दोस्तों, कॉन्ग एक मॉन्स्टर होने के साथ साथ एक प्री हिस्टोरिकल क्रिएचर भी है, जिसका जन्म स्कल आइलैंड पर ही हुआ था, और अपने ओरिजिन के बाद से ही कॉन्ग स्कल क्रॉलर से लड़ता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। और उसकी स्ट्रेंथ का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अपने स्कल आइलैंड पर एक बड़े से ऑक्टोपस को पानी में जाकर ही मारा था, और साथ साथ उसने दो स्कल क्रॉलर्स को एक साथ हराया था, जो कि ये साबित करता है कि कॉन्ग काफी पावरफुल मॉन्स्टर है। और अगर इसके वेट और हाइट की तरफ नजर डाले तो ये 25,000 टन वजनी और 35 फीट लंबा है, जो कि इसको मॉन्स्टर वर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स के तौर पर प्रेजेंट करता है। और इन सारी एबिलिटीज के अलावा कॉन्ग के पास कई सारी पावर मौजूद है, जिनमें की रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन जैसी कई सारी पावर्स मौजूद है। और दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी में भी कॉन्ग का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो घंटों तक बिना थके लड़ सकता है, और जब से उसके पास बैटल एक्स आया है तब से उसकी पावर दोगुना हो गई है, क्योंकि वो इसकी मदद से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बच जाता है। कॉन्ग, सर्टर और गॉडजिला, इन सब के बारे में जानने के बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, जिसके लिए इनका कंपैरिजन हमें दो जोड़ी में करना होगा। और अगर इन तीनों की फाइट हुई उसमें कहीं ना कहीं गॉडजिला की ही जीत होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक भी है। और अगर गॉडजिला और कॉन्ग का तीसरे अपोनेंट के साथ आमना सामना होता है तो सबसे पहले वो दोनों मिलकर उस अपोनेंट को हराते हैं, और ऐसा कुछ सर्टर के साथ भी होगा, जो कि इस फाइट से सबसे पहले ही बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही थॉर की तरह पावरफुल है, और साथ ही गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ वाली शक्ति भी है, क्योंकि सर्टर को काफी नुकसान पहुंचाएगी और वो मर जाएगा। और सर्टर के हार जाने के बाद ये फाइट गॉडजिला और कॉन्ग के बीच की रह जाएगी, और इन दोनों की फाइट में कौन जीत पाएगा कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कॉन्ग के पास बैटल एक्स जैसे हथियार मौजूद है,
तो वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला भी एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर सकता है, और क्योंकि गॉडजिला का शेप और साइज कॉन्ग से ज्यादा है तो ये फाइट गॉडजिला ही जीतेगा, क्योंकि गॉडजिला की बॉडी इतनी सॉलिड है कि उस पर कोई भी हमले का असर नहीं होने वाला, और जबकि अगर गॉडजिला चाहे तो वो कॉन्ग का पल भर में काम तमाम कर सकता है। हालांकि कॉन्ग के पास भी बैटल एक्स, स्पीड और सुपर इंटेलिजेंस है जिनसे कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से बचा जा सकता है, मगर क्योंकि गॉडजिला के पास काफी अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है तो इसलिए वो कॉन्ग पर काफी भारी पड़ेगा और एंड में कॉन्ग को हरा डालेगा। दोस्तों आपके मुताबिक इन तीनों की फाइट में कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आप तक ऐसी और भी रोमांच से भरी वीडियोस लाता रह सकूं। और अगर आपको गॉडजिला से जुड़ी और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।